दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। इस वक्त दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में मैं हूँ और अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक सिर्फ लोगों की भीड़ है। वो भीड़ जिन लोगों ने ना तो मास्क लगा रखे हैं और ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, यानी कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कल अगर कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनकी आंकड़ों की मैं बात करूँ तो कल दिल्ली में 607 केसेज जो हैं वो दर्ज हुए। जनवरी के बाद ऐसा पहली बार था कि दिल्ली में इतने केसेज आए। फरवरी के महीने तक केसेस जो है वो थोड़े कम थे, 150 के आसपास जो है केसेस का आंकड़ा रहता था, मगर जैसे ही मार्च की शुरुआत हुई है केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं। तो लोगों के लिए इस वक्त ज़रूरी ये है कि वो अभी भी ये समझें कि कोरोना उतना ही घातक है जितना वो कुछ समय पहले तक था। आज भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और हर उस चीज़ का ध्यान रखना है जिस चीज़ का ध्यान हम थोड़े समय पहले तक रखा करते थे, क्योंकि लगातार बढ़ रहा कोरोना केसेस का जो मामला है, जो संक्रमण के जो मामले हैं जो बढ़ रहे हैं, ये और कुछ नहीं मगर सिर्फ लोगों की लापरवाही दिखाते हैं। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। पंजाब में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,369 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भी लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं लुधियाना की, जहां सड़कों पर निकलने वाले ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। शायद इनको लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, इसलिए ये लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोगों की लापरवाही और राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लुधियाना जिले में अनिश्चितकालीन नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लुधियाना में हर दिन करीब 4,000 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 5 से 6% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ लुधियाना में स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। परंतु भी बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए रात के समय 9 बजे से 9 PM से सुबह के 5 AM तक डेली कर्फ्यू जो है इम्पोज किया गया। रात के कर्फ्यू का यही है, या अननेसेसरली सोशलाइज करने के लिए कई बार लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि देखने में आया है कि कुछ फंक्शंस के बाद या इकट्ठे होने के बाद उन क्लोज्ड स्पेसेस से बड़ी संख्या में केस हमारे आए हैं। स्कूल्स हमने ऑलरेडी बंद कर दिए। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन उसके बाद भी लोग भीड़ भरे इलाके में कोरोना से बेखौफ बिना मास्क के घूम रहे हैं। शायद लोगों की यही लापरवाही बढ़ते कोरोना की एक अहम वजह है। दादर के फूल बाजार में लोगों की ये भीड़ कोरोना के कहर से बेखबर नजर आ रही है। सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है तो कहीं चालान काट रही है ताकि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर लोगों ने लापरवाही बरती और नियमों का पालन नहीं किया तो हमें सख्त कदम उठाने होंगे। लॉकडाऊनचा पर्याय हा नक्कीच समोर दिसतो आहे, मात्र मला अजूनही लोकांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे। बऱ्याच ठिकाणी लोक आता मास्क घालायला लागलेले आहेत और साथ ही साथ प्रशासन लोगों की इस भीड़ को देखते हुए मार्केट को शिफ्ट करने पर भी काम कर रहा है। नाही, दादरचं जे सकाळचं होतं ते शिफ्ट होईल, मे बी एकतर BKC मध्ये किंवा सोमय्या ग्राउंड मध्ये। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों की इस मंडी में आए इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इनकी एक जरा सी लापरवाही उनके साथ उनके परिवार की खुशियों के रंग में भंग डाल सकती है। रांची में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रांची के उपायुक्त ने एक अनोखा तरीका निकाला है। रांची के उपायुक्त पुलिस के साथ बाजारों में जाकर लोगों से हाथ जोड़कर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। रांची में भी लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना होने का खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी मुहिम शुरू की।
जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा एक नया मुहिम शुरू किया गया है। इनफैक्ट मेरे द्वारा जो ट्रैफिक के लोग हैं उन लोगों को यह निर्देशित किया गया है कि जो दो पहिया तीन पहिया चार पहिया जो भी हैं उस पर आप मास्क वाले को उत्प्रेरित कीजिए, उसको आप थोड़ा सा अवेयर कीजिए। यदि प्रेरणा और उत्प्रेरणा के अलावा भी यदि बात नहीं मानते हैं तो आपको फाइन प्रक्रिया वो किया जाए। बस लोग मास्क पहने, इसकी महत्ता को समझें कि यह जरूरी उसके लिए है, उसकी फैमिली के लिए है, और वो सुरक्षित, फैमिली सुरक्षित, अपने आप राज्य समाज सुरक्षित हो जाएगा। और कोरोना केसेस में हो रहे इजाफे को देखते हुए झुंझुनू जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि दूसरे राज्यों से आने वालों को राज्य में प्रवेश तभी मिलेगा जब इनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। जिसके बाद प्रशासन के आदेश का रियलिटी चेक करने पहुंचे हमारे संवाददाता, जहां उन्हें ना तो कोई अधिकारी मिला ना कोई टेस्टिंग सेंटर दिखाई दिए। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम खड़े हैं हरियाणा बॉर्डर पर झुंझुनू के ढाणी संपत, ये गांव संपत सिंह ये गांव है, और यहां पर कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि यहां पर जो भी वाहन आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, उसको तभी प्रवेश दिया जाए जब वो उसके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट हो। लेकिन आज 3 दिन बीत गए हैं, आप देख सकते हो कि खुलेआम यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, ना केवल कोई जांच भी नहीं हो रही है, कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है, और खुले ढंग से, एकदम खुले ढंग से आवागमन हो रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन प्रशासन है वो अभी भी लापरवाही बरत रहा है, और इस लापरवाही के कारण हो सकता है कि बड़ा विस्फोट मुंबई महाराष्ट्र की तरह राजस्थान में भी हो जाए। तो कोरोना को लेकर देश की स्थिति तो हमने आपको दिखाई, अब बात करते हैं फ्रांस की, जहां पर लॉकडाउन लग रहा है। फ्रांस की तस्वीर, 4 हफ्ते का लॉकडाउन यहां पर लगा है। क्या हो रहा है फ्रांस में इस वक्त, आपको वो दिखाते हैं। देश और दुनिया में एक बार फिर से कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जिसके बाद से दुनिया भर के कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने भी बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आज रात से 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि फ्रांस सरकार ने इस बार लॉकडाउन के नियमों में ढील जरूर दी है। इस बार स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लॉकडाउन से बाहर रखा है, लेकिन इन सबको भी कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 हफ्ते के बाद यह पता चल पाएगा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या फिर खत्म करना है। तो वही पिछले 24 घंटे में फ्रांस में कोरोना के 34,998 नए केस सामने आए, जिसके बाद से फ्रांस के अस्पतालों में पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया और कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ को भी बढ़ा दिया गया। फ्रांस में अब तक कोरोना के 42,41,959 मामले सामने आए हैं और फ्रांस में कोरोना के चलते 91,833 लोगों की मौत हो चुकी है।